अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बॉम्बे हाईकोर्ट का अवैध फेरी वालों को हटाने का आदेश, हॉकर्स यूनियन की याचिका पर एनएमएमसी को फरमान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हॉकर्स एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका को अवैध फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई का फरमान सुनाया है। याचिका में मनपा अधिकारियों पर पैसे लेकर अवैध फेरी वालों को संरक्षण देने और वैध फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया था। 2018 में दाखिल इस अपील पर 11 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया और मनपा अधिकारियों को टाउन वेडिंग कमेटी बनाकर वैध फेरी वालों को तत्काल पुनर्वसन करने का भी आदेश दिया है। याचिकाकर्ता नवी मुंबई हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद पीर फकीरा ने इसे सत्य की जीत बताया और अधिकारियों की नियत की पोल खोलते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करने का आह्वान किया। महानगर पालिका फेरी वालों के ऊपर बार बार कार्रवाई करती थी, जिसके कारण हमको लाइसेंस भी मिलता नहीं था और हमको जगह भी नहीं मिलता था। और फेरी वालों को लाइसेंस देना इट्स अ फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो हमारे हक में है। तो 2014 में पॉलिसी आया, पॉलिसी वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो हम लोग को मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने हमको हमारे फेवर में बहुत सारे ऑर्डर दिए और ऐतिहासिक ऑर्डर दिए कि इनको लाइसेंस दो, इनको जगह दो। और जब तक इनको लाइसेंस और जगह देते नहीं है, जो भी लोगों का सर्वे आपने किया है उनको हटाने का नहीं, ये कोर्ट का ऑर्डर। बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय ने बस, रेलवे स्टेशन, मेन मार्केट, स्कूल और मंदिरों के 100 से 150 मीटर के दायरे को फेरी वालों के लिए प्रतिबंधित किया है, लेकिन नवी मुंबई के फुटपाथ, सड़क, ओवरब्रिज और स्टेशनों के टिकट काउंटर तक अवैध फेरी वाले कब्जा जमाए बैठे हैं। इनकी निगरानी और कार्रवाई के लिए टीवीसी कमेटी बनाने का प्रावधान है, लेकिन नवी मुंबई मनपा कोर्ट के आदेशों निर्देशों को ताक पर रखकर काम कर रही है। सैयद फकीरा की माने तो एनएमएमसी के कुछ बड़े अधिकारी अपने फायदे के लिए कानून का मजाक बना रहे हैं। मांग बहुत किया पालिका से, अभी हम उनको मांगना ही नहीं है। हमारी मांग की लाइसेंस दो, जगह दो, जो हमारे हक का है, जो कायदे में है, वो हमने मांग किया, रिक्वेस्ट किया। अभी हमको मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी हमको कोर्ट ने ही उनको आदेश दे दिया। अब पालिका को कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको करना है, अब इसको अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हम लोग कंटेम फाइल करेंगे। बस हमारे पास उनसे अभी हमको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। सर, इलीगल फेरी वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का, यूनियन का, इलीगल फेरी वालों से कोई संबंध नहीं है। हमारा लीगल फेरी वाला है, लीगल कोर्ट में हम लोग गए थे, हमारे सारे हॉकिंग जोन में बैठते हैं। बाकी इलीगल फेरी वालों के नाते जो भी चीज़, जो भी बाहर चल रहा है, वो आप उनसे सवाल कीजिए, कमिश्नर को बोलिए उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए। दे आर फ्री टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट एनी इलीगल हॉकर्स। हमारे यूनियन के अंडर में अभी 1200 लोग हैं, 1200 फेरी। इस फैसले पर नवी मुंबई मनपा का कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। बोले भी कैसे, जब हाथ गर्म और नियत में खोट हो तो भला जवाब क्या देंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनपा अधिकारी कानून का पालन करेंगे और शहर के सड़क, फुटपाथ और ओवरब्रिजों को खाली कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।